हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज और स्वागत है आप सबको इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल शॉप में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एमसीक्यू के बारे में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में। दोस्तों, ये जो आप देख रहे होंगे कि वन वे, टू वे, थ्री वे, फोर वे जो एमसीक्यू होता है, इसको कहां पे किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक एम सी वे, ये वन ए एम सी वे, ये आपका C10 है। आप देख रहे होंगे किसी किसी एम सी देख रहे होंगे इसमें उसमें लिखा होगा B10, C10, इस तरह का लिखा जाता है। फिलहाल ये आपका वन वे एम सी वे, इसमें सिर्फ आपका फेस आपका इसमें लोड दिया जा सकता है। इसमें सिर्फ फेस इनपुट होता है और आउटपुट होता है। तो दोस्तों देखिए, ये सिर्फ आपका सिंगल और एक रूम के लिए लगता है, और रूम को करंट सप्लाई देने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एमसीक्यू का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल एक नॉर्मली नॉर्मली घर में लोड देने के लिए आपको इससे थोड़ा कम वाला भी एमसीक्यू लगाना जरूरत है, क्योंकि एमसीक्यू इसीलिए लगा जाता है कहीं पर भी आपका सर्किट हो जाए तो ये आसानी से ठीक हो जाए और आपका जो इक्विपमेंट है वो आपका सुरक्षित रहे। तो देखिए दोस्तों, आपका नॉर्मल घर में आप पेंसिल लगाना चाहते हो तो इससे ज़्यादा लगाना ज़रूरत नहीं, इससे कम लगाना ही आपको बेहतर होगा। आप चाहो तो 6 एम्पीयर का पेंसिल लगा सकते हो, बी हो एस हो, आपको लोग सबको देख के लगा सकते हो। फिलहाल नॉर्मली घर के लिए आप इससे कम पावर वाला 6 एम्पीयर वाला पेंसिल लगाओगे तो आपका जब भी कुछ इक्विपमेंट शॉर्ट सर्किट होगा तो वो ट्रिप कर देगा। अगर आप ज़्यादा पावर वाला लगाओगे तो ये सर्ट सर्ट होने के होने पर ट्रिप नहीं करेगा। ये 10 वाला आप चाहो तो आपका हीटर हो, फ्रिज हो, इससे थोड़ा ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट के लिए, लोड वाला इक्विपमेंट के लिए आप इसे इस तरह का एमसीक्यू लगा सकते हो 10 पावर वाला। अगर आप एसी लगाना चाहते हो, 1 टन हो, तो आप 25 एम्पीयर का एमसीक्यू लगाओगे तो बेहतर होगा, और 1.5 टन जा रहे हो तो 32 एम्पीयर का एमसीक्यू लगाना सही रहेगा। फिलहाल आप नॉर्मली 6 एम्पीयर का एमसीक्यू लगा सकते हो नॉर्मली घर में लोड देने के लिए। सबसे बात बड़ी बात यह है कि आप इसमें सिर्फ फेज इनपुट कर सकते हो और फेज ही आउटपुट कर सकते हो, जबकि ये रहा आपका 2A यानी डबल पोल एमसी, ये C14 का है, ये 40 का जो है इसमें क्या लोड दिया जा सकता है आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये डबल पोल वाला एमसी है, इसमें क्या है, ये चाहो तो आप इसको एमसी बोर्ड में जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है इसमें साइड में इसको लगा सकते हो, जबकि जो फेज न्यूट्रल आप पहले लाए होंगे पैनल से, पैनल बोर्ड से, पैनल बोर्ड में आपका चेंजर होता है, उसके साइड में आपका जो किटकट होता है उससे किटकट से चेंजर से करंट लाने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को आता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड आता है, बोर्ड को करंट आता है, पहले इसमें फेज न्यूट्रल लगता है। ये डबल पुल का काम ये है कि इसमें फेज न्यूट्रल दोनों कंट्रोल होता है। ये एक ही स्विच है, डबल पोल एम सी वी है, ये एक ही स्विच है इसका, इसमें फेज न्यूट्रल दोनों कनेक्ट होता है। इस राइट साइड में आपको फेज जोड़ देना है और राइट साइड में सॉरी लेफ्ट साइड में न्यूट्रल को। इसी तरह इसका आउटपुट भी यहाँ का लोड हमेशा नीचे ही देना बेहतर है, सही रहेगा, और यहाँ से आपका फेज न्यूट्रल यहाँ से आउटपुट होगा। जबकि आप देख रहे होंगे कि इस तरह एमसी भी आप देख रहे होंगे कहीं पे लगा होगा, तो इसका काम क्या है, ये 4 वे एमसी वे टिफिन जो कहते हैं, लेकिन यहाँ टिफिन लिखा हुआ है, इसका काम ये है, इसमें 4 होल है, इसमें 4 टर्मिनल है। इसमें क्या है, काम है, इसमें 3 फेस यानी कि ये 3 फेस का लिए काम करता है। आप देख रहे होंगे, कभी देख रहे होंगे कि कहीं पे इस तरह का टिफिन लगा हुआ 4 पोल वाला,
इसमें क्या जोड़ दिया जा सकता है, इसमें थ्री फेस के लिए, थ्री फेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें तीनों फेस दिया जाएगा, डाला जाएगा और एक आपका न्यूट्रल डाला जाएगा। इस तरह ये फोर फोर वाला चिकन है, ये एक इसको ऐसे करने से ये तीनों फेस और न्यूट्रल एक ही साथ आपका जो लोड है आना होगा। इस तरह यहाँ पे तीनों फेस डाला जाएगा और एक न्यूट्रल डाला जाएगा। इस तरह लोड दिया जाएगा नीचे और इसका जो करंट आउटपुट है फेस न्यूट्रल यहाँ पे ऊपर से आपको डिवाइड होगा करंट। फिलहाल इसको यहाँ पे थ्री फेस को आप यहाँ पे लगावे और न्यूट्रल यहाँ पे लगाने के बाद इसको डिवाइड करके आप घर में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के लिए एक एक फेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका तीन चार एसी है इसके लिए यहाँ से एक फेस लेके उस सिम के नीचे लगाना, जहाँ आप एसी हो, हीटर हो, गीजर हो, इसे जो बड़े इक्विपमेंट वाला लोड वाला इक्विपमेंट के लिए एक फेस का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरे को घर के लिए इसका ऐसे करंट तीनों फेस को आप बांट के अलग अलग करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा या फिर कहीं पर समझ नहीं पा रहे होंगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, या फिर दूसरे कुछ टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।